हेलो बच्चा लोग वेलकम टू चैनल एडी नीति मेरा नाम मोहित गोइंका है और मैंने आईटी खड़गपुर से इंजीनियरिंग किया है इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रे ऑप्टिक्स के सवाल जो जेई मेन 2021 फरवरी अटेम्प्ट में पूछे गए थे इसके अलावा आप लोग चाहे तो जेई मेन 2020 के भी पी वाई क्यू सॉल्व कर सकते हैं इसी चैनल के प्लेलिस्ट में अपलोडेड है लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा एंड वी आल्सो हैव सम टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चन सोल्यूशन उसका लिंक भी नीचे आपको मिल जाएगा यू कैन ट्राई देम दिस इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर अपकमिंग जेई एग्जाम्स ठीक है तो so चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को तो ये अपना पहला सवाल है द फोकल लेंथ एफ इज रिलेटेड टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर आर ऑफ़ दिस फेरिकल कॉन्वेक्स मिरर बाई वॉट ठीक है तो ये आपका कॉन्वेक्स मिरर हो गया दिस इज योर कॉन्वेक्स मिरर राइट ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है हमसे एफ़ और आर के बीच का रिलेशन पूछ रहा है आई डोंट थिंक कि इसमें थोड़ा सा भी मुश्किल होना चाहिए राइट सपोज दिस इज़ योर आर तो हमें पता है कि एफ जो होता है दैट इज आर बाई टू एफ इज़ आर बाई टू एंड uh, अगर हम लोग कॉन्वेक्स मिरर की बात करें कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो फोकस कैसे डिफाइंड होता है सपोज अ रे ऑफ लाइट इज़ पैरल आफ्टर रिफ्लेक्शन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज लाइक दिस सो इट अपियर्स टू बी कमिंग फ्रॉम हियर ठीक है तो ये आपका फोकस इस तरीके से डिफाइंड है राइट सो फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों एक ही तरफ है दोनों एक ही तरफ है यानी कि दोनों का साइन भी सेम होना चाहिए इसलिए इसलिए यहां पे प्लस ही होगा राइट अगर आर पॉजिटिव है तो एफ भी पॉजिटिव होगा इसलिए यहां पे प्लस होगा नेगेटिव नहीं होगा विच मीन्स ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट आंसर राइट चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू इस सवाल में हमसे कह रहा है द सेम साइज इमेजेस वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट सेम साइज इमेजेज आर फॉर्म्ड बाई ए कॉन्वेक्स लेंस वेन दी ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ट्वेंटी सेंटीमीटर और एट टेन सेंटीमीटर ठीक है तो सिर्फ इतना पढ़ के हमको समझ में आ जाता है कि सेम साइज़ का इमेज बन रहा है फॉर टू डिफरेंट लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ये तभी पॉसिबल है जब एक इमेज वर्चुअल बना था और एक इमेज रियल बना है एंड दोनों मैग्नीफाइड बना होगा आपको ये केस भी हम समझते हैं रिमाइंड हो रहा होगा कि क्या है ध्यान से देखिए एक सिचुएशन होता है जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस और 2F के बीच में हो सपोज आपका ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा है तब आपका इमेज मैग्निफाइड बनता है ठीक है और दूसरी बार इमेज मैग्निफाइड तब बनता है जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हो राइट इस सिचुएशन में भी आपका जो इमेज बनता है वो मैग्नीफाइड बनता है एंड सेम हाइट का बनने का पॉसिबिलिटी तभी है राइट right? इस तरीके से ठीक है तो हमें सवाल में बेसिकली ये दे रखा है वॉट इज दिस दिस इज गिवेन एज टेन सेंटीमीटर एंड दिस इज गिवेन एज ट्वेंटी सेंटीमीटर हमसे एफ का वैल्यू पूछ रहा है हमसे एफ की वैल्यू पूछी जा रही है राइट right? तो so, सवाल में आप ध्यान से देखिए तो मैग्निफिकेशन बेसिकली सेम है मैग्नीट्यूड वाइज मैग्निफिकेशन सेम होगा बस साइन का अंतर है बस साइन का अंतर है राइट right? ग्रीन वाले केस में मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव होगा क्योंकि दोनों इमेज जो है वो इरेक्ट है और वाइट वाले केस में जहाँ पे रियल इमेज बन रहा है उसमें मैग्नीफिकेशन नेगेटिव होगा अब मैग्निफिकेशन आपका होता है वी बाई यू एंड वी क्या होता है ध्यान से देखिए वी कैन यूज़ लेंस फॉर्मूला वन बाई वी माइनस वन बाई यू इज इक्वल टू वन बाई एफ इसे आप थोड़ा सा रीअरेंज करें तो आप वी को लिख सकते हो यू एफ अपॉन यू प्लस एफ राइट विच मीन्स वी कैन राइट मैग्निफिकेशन एज वी को यहाँ से सब्सटीट्यूट कीजिए तो ये आपका हो जाएगा एफ अपॉन यू प्लस एफ सो वी हैव गॉट दी इक्वेशन फॉर मैग्निफिकेशन ठीक है मैग्निफिकेशन लेटस कॉल दिस एज सिचुएशन नंबर वन एंड दिस एज सिचुएशन नंबर टू ठीक है अब आप ध्यान से देखिए इस वाइट वाले के लिए जहां पे आपको रियल इमेज बन रहा है इसमें मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा सो मैग्नीट्यूड वाइज दोनों इक्वल है मैग्नीट्यूड वाइज दोनों मैग्निफिकेशन सेम है लेकिन लेकिन यू कांट डू वाइट वाले के केस में इट इज़ अ नेगेटिव मैग्निफिकेशन सो यू कांट से दैट माइनस एट इज इक्वल टू एट राइट तो हमें यहाँ पे एक माइनस अपने से लगाना पड़ेगा विच मीन्स हम यहाँ पे एक माइनस साइन लगा देते हैं नाउ वी कैन से दैट माइनस एम वन इज इक्वल टू एम टू ठीक है साइन का बहुत ध्यान रखना पड़ता है ऑप्टिक्स के केस में खासकर नाउ माइनस एम वन विच मीन्स एफ अपॉन यू वन प्लस एफ इज इक्वल टू एफ अपॉन यू टू प्लस एफ 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 तो कैंसिल हो गया माइनस वन बाई यू वन कितना है यू वन हो गया आपका ट्वेंटी दिस फेलो इज़ यू वन सो दिस इज गोइंग टू बी माइनस ट्वेंटी प्लस एफ इज इक्वल टू वन बाई यू टू हो जाएगा आपका टेन सेंटीमीटर माइनस टेन प्लस एफ राइट क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए दिस बिकम्स माइनस वन को इससे मल्टीप्लाई किया सो टेन माइनस एफ इज़ इक्वल टू माइनस ट्वेंटी प्लस एफ एंड दिस बिकम्स थर्टी इज इक्वल टू टू एफ यानी कि एफ की वैल्यू आ गई पंद्रह सेंटीमीटर दिस इज योर आंसर ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल क्वेश्चन नंबर थ्री असर्जन रीजन का एक सवाल है हमें यहाँ पे सबसे पहला जो तो स्टेटमेंट दिया है वो पढ़ लेते हैं फॉर अ सिंपल माइक्रोस्कोप द एंगुलर साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल्स दी एंगुलर साइज ऑफ दी इमेज ठीक है तो हाँ ये स्टेटमेंट ट्रू है ठीक है ये स्टेटमेंट ट्रू है आपके पास एक सिंपल माइक्रोस्कोप है ठीक है और सिंपल माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करते हैं लेंस के बहुत नज़दीक रखते हैं बेसिकली फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं रखते हैं तो यहाँ हो गया आपका ऑब्जेक्ट राइट ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया इसका इमेज अगर बनाना है सो व्हाट डू वी डू यहाँ से एक रे ऑफ लाइट यू निकलेगा ऐसे पास करेगा थोड़ा सा और दूर कर सकते कोशिश करके और एक रे यहाँ से निकाला तो ये कहीं पीछे जाके आपको एक्सटेंड करने पे मिलता है और वहीं पे आपको इसका इमेज फॉर्म होगा दिस इज द इमेज फॉर्म्ड ठीक है और जब आप सिंपल माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करते हैं, जो ऑब्जर्वर होता है वो इस माइक्रोस्कोप के बहुत नज़दीक सिंपल माइक्रोस्कोप ये जो लेंस है इसका अपने आँख को इस लेंस के बहुत नज़दीक रखता है ठीक है so, सो यहां पे कहीं आपका वो ऑब्जर्वर है दिस इज योर ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर की आंखें हो गई राइट right? ये ऑब्जर्वर की आंखें हो गई तो हम लोग क्या कहते हैं कि दिस इज एंगल सबटेंडेड एट दर्वर आई राइट अब हमको यहां पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये भी एंगल थीटा सबटेंड कर रहा है और जो इमेज है वो भी एंगल थीटा ही सबटेंड कर रहा है ऑब्जर्वर के आंख में ऑब्जर्वर के आंख में तो पहला स्टेटमेंट ट्रू है देर इज नो डाउट अबाउट इट राइट सेकेंड स्टेटमेंट मैग्निफिकेशन इज अचीव्ड एज द स्मॉल ऑब्जेक्ट कैन बी केप्ट मच क्लोजर टू द आई दैन ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर एंड हेंस इट सबटेंड्स अ लार्जर एंगल ये बात भी बिल्कुल सही है यह बात भी बिल्कुल सही है हमें सिंपल माइक्रोस्कोप की जरूरत क्यों पड़ती है क्योंकि अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है तो वो बहुत छोटा सा एंगल हमारी आंख पे सप्टेंड करता है और हम उसे देख नहीं पाते हैं हम उसे देख नहीं पाते हैं समझिएगा बात को सपोज़ ये आपका ऑब्जर्वर का आई है दिस इज़ दी आई ऑफ द ऑब्जर्वर राइट एंड दर इज़ अ ऑब्जेक्ट जो कि बहुत छोटा है अब हमें अगर उसे देखना है तो हमें जो मिनिमम कंडीशन है डिस्टेंस का वो 25 सेंटीमीटर के बियॉन्ड होना चाहिए तो हमें ऑब्जेक्ट को कम से कम यहाँ तो रखना ही पड़ेगा लेटेस से दैट दिस डिस्टेंस इज़ 25 सेंटीमीटर अब यह ऑब्जेक्ट जो है वो कुछ एंगल सबटेंड किया आपके आंखों पे ये कुछ एंगल सबटेंड किया लेटस से थीटा नॉट और इस थीटा नॉट के होने के बावजूद हमें ये ऑब्जेक्ट नहीं दिखा ठीक है अब लेकिन हम इस ऑब्जेक्ट को नजदीक नहीं ला सकते क्योंकि 25 सेंटीमीटर से नज़दीक ले आओगे तो आपकी आंखों पे स्ट्रेन पड़ेगा फोकस नहीं हो पाएगा रेटिना पे और इमेज ब्लर बनता है ठीक तो हम इसे 25 सेंटीमीटर के अंदर ला नहीं सकते हैं बट बट अगर हम एक सिंपल माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करें इफ़ वी यूज़ अ सिंपल माइक्रोस्कोप लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली दोबारा से एक फिगर बना लेते हैं एंड नाव हमने एक सिंपल माइक्रोस्कोप इस्तेमाल किया है अपने आँख और इस ऑब्जेक्ट के बीच में दिस इज़ दी सिंपल माइक्रोस्कोप वी आर टॉकिंग अबाउट राइट सिंपल माइक्रोस्कोप के होने के मदद से हम क्या कर सकते हैं हम इस ऑब्जेक्ट को नज़दीक ले आए पहले ऑब्जेक्ट यहाँ था हमने इस ऑब्जेक्ट को देखिए राइट साइड और शिफ्ट कर दिया है ठीक है नज़दीक लाने से क्या हो गया है कि अब ये ऑब्जेक्ट हमारे आँख पे बड़ा एंगल बना रहा है दिख रहा है ना क्लैरिटी से अब जो ये एंगल है दिस एंगल इज डेफिनेटली दिस एंगल इज डेफिनेटली मोर देन थीटा नॉट ये जो एंगल है लेट अस से दिस एंगल इज थीटा डैश दिस थीटा डैश इज डेफिनेटली मोर देन थीटा नॉट राइट और हम इस ऑब्जेक्ट को फिर भी देख पाएंगे क्योंकि जो इसका इमेज बनेगा दैट इज गोइंग टू बी फॉर्मिंग बियॉन्ड डी डी या फिर बियॉन्ड डी पे हम इस इमेज को बनवाते हैं डी से ज्यादा ही होता है ये चीज़ वी इज़ मोर देन इक्वल टू डी ठीक है तो अब हम हमारा आँख जो है वो तो इसको देखने वाला है और अगर कोई चीज़ डी या डी के बियॉन्ड है तो वी आर वेरी मच कम्फर्टेबल टू लुक एट इट तो ऑब्जेक्ट को नज़दीक लाने से लार्जर एंगल सब्टेंड हुआ मेरे आँख पर और हमें वो क्लियरली दिखाई दे रहा है इसका मतलब ये सेकेंड स्टेटमेंट भी ट्रू था ये सेकेंड स्टेटमेंट भी ट्रू है तो दोनों स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है दोनों स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है एंड क्योंकि आपने इस ऑब्जेक्ट को बहुत नज़दीक लेके आया अपने आँख के यू ब्रॉड यू ब्रॉड दैट ऑब्जेक्ट वेरी वेरी क्लोज टू योर आई विच इज़ वेरी वेरी क्लोज टू द लेंस आपको जो इमेज बना है वो इसके पीछे बना है वर्चुअल बना है और यही कारण है कि दोनों सेम एंगल सबटेंड कर रहा है आँखों पर विच मीन्स ये स्टेटमेंट ये रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का विच मीन्स ऑप्शन नंबर जो थ्री है दैट इज़ द करेक्ट आंसर ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ ओके तो यह सवाल में क्या कह रहा है द इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल आर डोनेटेड बाय द यूनिट वेक्टर्स ए बी सी यूनिट वेक्टर्स है रेस्पेक्टिवली दे चूज द करेक्ट रिलेशन फॉर दीज वैक्टर्स राइट तो ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है अगर फॉर्मुला पता है ये पढ़ते हैं हम लोग अगर पता है तो वेल एंड गुड नहीं पता है तो यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं कि क्या होता है इन ए बी सी के बीच का रिलेशन राइट right? अब ध्यान से देखिए ये इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे ये ग्रीन वाला नॉर्मल है लेटस से दिस एंगल इज थीटा तो ये एंगल भी आपका थीटा हो जाएगा ठीक है अब ये वैक्टर ए बी एंड सी आर यूनिट वैक्टर्स इस पर ध्यान रखना है अच्छा एट द सेम टाइम लेट लेटस डिफाइन लेट लेटस डिफाइन दैट अपवर्ड इज़ टेकन एज जे कैप एंड राइट साइड इज टेकन एस आई कैप राइट तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिए तो जे कैप भी यूनिट वैक्टर है और सी वैक्टर भी यूनिट वैक्टर है यानी कि जे कैप और सी वैक्टर को हम आपस में रिप्लेस कर सकते हैं इन फ्यूचर राइट और आई कैप इज द यूनिट वैक्टर अलॉन्ग दी हॉरिजोंटल राइट साइड ठीक है अच्छा इस ए वैक्टर को इस ए वैक्टर को अगर हम रिजॉल्व करके लिखे दिस ए वैक्टर कैन बी रिटर्न एस आप ध्यान से देखिए ये कुछ इस तरीके से है राइट एंड दिस एंगल इज थीटा दिस एंगल इज थीटा दिस इज योर ए वेक्टर तो क्या हम इस ए वेक्टर को लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज वन सो आई कैन राइट एज साइन थीटा आई कैप माइनस कॉस थीटा जे कैप राइट और इस बी वेक्टर को इस बी वेक्टर को हम लिख सकते हैं साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप राइट अब एक काम कीजिए इक्वेशन नंबर वन और टू को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दीजिए टू माइनस वन कीजिए सो वैक्टर बी माइनस वैक्टर ए इज इक्वल टू आई वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा एंड दिस बिकम्स टू कॉस थीटा जे कैप राइट अच्छा अब हमें ये कॉस थीटा को रिप्लेस करना है कहीं भी एक्सप्रेशन में कॉस् थीटा नहीं है ठीक है अब देखिए आप वेक्टर ए और वेक्टर सी का डॉट ले लो ठीक है ये आपका वेक्टर ए है और ये आपका वेक्टर सी है आपको देखना चाहिए कि वेक्टर ए और सी के बीच का जो एंगल है दैट इज़ पाई माइनस थीटा सो कैन आई राइट दैट वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ ए विच इज़ वन मल्टीप्लाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ सी विच इज़ ऑल्सो वन मल्टीप्लाइड बाई कॉस ऑफ थीटा विच इज़ पाई माइनस थीटा सो दिस इज़ माइनस कॉस थीटा तो हम वेक्टर ए डॉट सी को लिख सकते हैं माइनस कॉस् थीटा यानी कि यहाँ से हम cos थीटा को लिख सकते हैं माइनस ए डॉट सी जे कैप और ये जे कैप को हम सी वेक्टर से रिप्लेस कर सकते हैं दोनों सेम डायरेक्शन में है और दोनों यूनिट वेक्टर है राइट सो ये आपका हो गया सी वेक्टर दिस इज वेक्टर बी माइनस वैक्टर ए तो यहाँ से हम बी वेक्टर को लिख सकते हैं वेक्टर ए को राइट साइड भेज दो दिस बिकम्स माइनस टू वेक्टर ए डॉट वैक्टर सी वैक्टर सी सो दिस इज द रिजल्ट ये रिजल्ट याद भी रहे तो अच्छी बात है और ऑप्शन नंबर थ्री हो जाएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्थ ये जो सवाल है सिमिलर क्वेश्चन नॉट इवन सिमिलर आई वुड से सेम क्वेश्चन सिर्फ डेटा कुछ अलग था 2019 जेई मेन में पूछा गया है और इसीलिए मैंने शुरुआत में ही बोला है कि अगर आपको आ, आपके आने वाले अटेम्प्ट को और इम्प्रूव करना है तो पी वाई क्यूज करना इज अ मस्ट एंड एंड दैट टू थरली चैप्टर वाइज जो कि आपको इस चैनल पर मिलेगा लिंक नीचे दिया हुआ है चलिए सवाल पढ़ लेते हैं सवाल में हमसे कहता है कि अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट एस यहाँ पे एस है placed at distance एट डिस्टेंस in सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ of ऑफ अ प्लेन मिरर ऑफ width 50 सेंटीमीटर ठीक है तो ये जो मिरर है इसका width 20 ट्वेंटी uh, 50 सेंटीमीटर है यानी कि यानी कि ये जो लेंथ है आधा लेंथ है ये हम इसे कह सकते हैं ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर दिस इज ट्वेंटी Hangs सेंटीमीटर हैंग्स वर्टिकली ऑन अ वॉल अ मैन वॉक्स इन फ्रंट ऑफ द मिरर अलॉन्ग अ लाइन पैरल टू द मिररर एट अ डिस्टेंस ऑफ वन पॉइंट टू मीटर तो ये एक लाइन है जिसपे आदमी वॉक कर रहा है दिस लाइन इज एट अ डिस्टेंस ऑफ वन ट्वेंटी सेंटीमीटर फ्रॉम द प्लेन मिररर द डिस्टेंस बिटवीन द एक्सट्रीम पॉइंट वेर ही कैन सी द इमेज ऑफ द लाइट सोर्स इन द मिरर एज हाउ मच ठीक है तो ये जो आदमी है इसको इमेज कैसे दिखाई दे रहा होगा सोर्स से एक रे ऑफ लाइट निकला तो मिरर के एक्सट्रीम पर रे ऑफ लाइट को हमने इंसिडेंट कराया यहाँ से ये रिफ़्लेक्ट होके के लेटस से यहाँ तक पहुँचा ठीक है तो आदमी को लगा होगा कि ये रे जो है वो कहीं पीछे से आ रही है और इस तरीके से उसे सोर्स का एक इमेज यहाँ पे दिखाई दिया एस डैश ठीक है इन सिमिलर फ़ैशन इन सिमिलर फ़ैशन हम नीचे भी ड्रॉ कर सकते थे चीज़ों को हम नीचे भी ड्रा कर सकते थे सिमेट्रिक है सब कुछ राइट तो इस तरीके से डायग्राम अपना बन गया राइट right? सो so, जो हमसे पूछा गया है सवाल में दैट इज दिस दो एक्सट्रीम के बीच में ही आदमी को सोर्स का इमेज दिखाई देगा अस से दिस इज ए दिस इज बी इस पॉइंट को कह देते हैं सी देन डू वी नीड सम मोर पॉइंट्स टू डिफाइन नो आई ओके अस कॉल दिस एज ई एंड द मिड पॉइंट ऑफ मिरर एज एफ ठीक है तो हमें ये ए बी निकालना है सवाल में राइट right? आप अब आप ध्यान से देखिए ट्राइंगल ट्राइंगल ई एफ एस डैश इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए सी एस डैश दिख रहा है ये जो छोटा सा ट्राइंगल है दिस ट्राइंगल इज सिमिलर टू दिस बिगर ट्राइंगल राइट और अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे विच मीन्स आई कैन राइट दिस एसडाश एफ अपॉन एस डाश सी इज इक्वल टू ई एफ अपॉन ए सी ठीक है न वॉट इज एसडाश एफ सोर्स का इमेज एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जितना है उतना ही होगा इमेज कितना दूर बनेगा जितना दूर आपका ऑब्जेक्ट है सो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी 60 सेंटीमीटर सो एसडाश एफ का आपका हो गया 60. न वॉट इज एसडाश सी तो यहाँ से लेके यहाँ तक यहाँ से लेके कर यहाँ तक ऑलरेडी 120 है और उसके आगे एस डैश सिक्सटी है सो सिक्सटी प्लस वन ट्वेंटी विच इज़ वन एटी सो दिस फेलो इज़ वन एट्टी ई एफ कितना है यहाँ लिखा है ट्वेंटी फाइव यहाँ से हम ए सी निकाल लेंगे फिर दिस इज़ थ्री तो ए सी आपका हो रहा है सेवेंटी फाइव सेंटीमीटर लेकिन हमको तो टोटल पूछा है यानी कि ए बी ए बी इज वॉट ट्वाइस ऑफ ए सी आंसर इज वन फिफ्टी सेंटीमीटर वन फिफ्टी सेंटीमीटर ही राइट सो एक डिसेंट क्वेश्चन है पहले भी सेम क्वेश्चन आ चुका है सो so, अच्छे से इसको समझिएगा चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स यहाँ पे हमसे कहता है अ शॉर्ट स्ट्रेट ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 100 सेंटीमीटर लाइज बिफोर द सेंट्रल एक्सिस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर हमें ये नहीं बता रहा है कि वो स्फेरिकल मिरर कॉन्वेक्स है कि कॉन्केव है उस फोकल लेंथ हैज़ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 40 सेंटीमीटर साइन भी छुपा लिया गया हमसे सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहा है द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस्ड बाई द मिररर इज ऑफ द हाइट ट्वेंटी सेंटीमीटर इंपॉर्टेंट पॉइंट इमेज जो बना है वो पच्चीस सेंटीमीटर का बना है ऑब्जेक्ट का हाइट हंड्रेड था छोटा इमेज बना है ज सेम ओरिएंटेशन ओरिएंटेशन भी सेम है एज ऑफ द ऑब्जेक्ट ठीक है इन सवालों को करने के लिए ना इसके पहले भी कुछ ऐसे सवाल आया था जहाँ पे आपको केसेस याद होने चाहिए केसेस आपको याद होने चाहिए तो पॉसिबिलिटी दो ही मिरर का तो है क्या तो ये कॉनके मिरर होगा या फिर ये कॉन्वेक्स मिरर होगा है ना क्या तो कॉनकेव या फिर कॉन्वेक्स अब आपको केसेस याद होने चाहिए हमारे पास जो सिचुएशन दे रहा है उसमें साफ साफ दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट हाइट इज मोर देन इमेज हाइट एंड ओरिएंटेशन सेम है यानी कि जो मैग्निफिकेशन है वो आपको पॉजिटिव है राइट right? अब ओरिएंटेशन सेम हो वैसा कॉनकेव में बस एक ही केस होता है जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में हो जब आपका ऑब्जेक्ट लेटर से दिस इज फोकस आपका ऑब्जेक्ट जब ऐसा होता है तब आपका इमेज वर्चुअल बनता है लेकिन सेम ओरिएंटेशन का है तो सेम ओरिएंटेशन तो बना लेकिन यहाँ पे इमेज हाइट इज ऑलवेज मोर देन दी ऑब्जेक्ट हाइट मैग्नीफाइड इमेज बनता है विच मीन्स कॉन्केव मिरर नहीं हो सकता और कॉन्वेक्स में अगर आपको चीज़ें ध्यान में हैं तो यहाँ पे हमेशा ऐसा ही होता है कि अगर ये आपका ऑब्जेक्ट है तो इमेज छोटा बनता है और सेम ओरिएंटेशन का बनता है इमेज इज स्मॉलर दैन दी ऑब्जेक्ट हाइट ऑब्जेक्ट हाइट सो ऑप्शन नंबर फोर इज इमेज इज़ वर्चुअल जो कि है राइट right? कॉन्वेक्स में आपका इमेज वर्चुअल बनता है अपोजिट साइड ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर सो ऑप्शन नंबर फोर इज़ द करेक्ट आंसर राइट ओके सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम रे ऑप्टिक्स फ्रॉम जेई मे ट्वेंटी ट्वेंटी वन फेब्री अटैम्प्ट उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशंस हेल्प uh, करेंगे आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए एंड uh, अच्छे से पढ़ाई कीजिए बहुत कम दिन बचा है आपको मार्च अटैम्प्ट के लिए हम लोग ऐसे ही वीडियोज़ में मिलते रहेंगे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड प्लीज़ शेयर द चैनल विथ ऑल योर फ्रेंड्स जितना भी ग्रुप्स है आप उसे हर जगह शेयर कीजिए हर बच्चे तक इस क्वालिटी कंटेंट को पहुँचाना बहुत ज़रूरी है ठीक है And uh, see you, take care, bye bye.